अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा इरफान, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चटनी, जो आप सीख कबाब के साथ, टिक्काज है, तंदूरीज है, किसी के भी साथ सर्व कीजिए। आप तो इसे बिरयानी वगैरह के और पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है आधा कप दही, 1 कप कोथमीर यानी कि हरा धनिया, टाइटली पैक्ड नहीं है, नॉर्मली है, और 3 लहसुन है, आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ 2 हरी मिर्चियाँ ली हैं, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा हरी मिर्चियों को ले सकते हैं। सबसे पहले ना मैं प्याले के अंदर दही डालकर इसे साइड पर रख देती हूँ, और एक छोटा सा मिक्सर जार लीजिए, और उसके अंदर ना ये जो हमने साइड पर रखी हुई धोई हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए, और हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा का चम्मच काला नमक, और 1/4 छोटा का चम्मच हमारा नॉर्मल नमक जो आता है ना सादा वाला, वो डाल दीजिए। अब इसमें मैं अलग से है ना 2-3 टेबल स्पून जितनी दही डाल देती हूँ, उसमें से नहीं लिया मैंने, अलग से 2-3 टेबल स्पून दही डाल दिया। ढक्कन डाल दीजिए और बहुत अच्छा इस तरीके से पेस्ट होए तक पीस लीजिए। जब अच्छा पीसा जाए तो ये जो हमने दही साइड पर रखी है उसमें डाल दीजिए, और बहुत अच्छे से दही को मिक्स कर लीजिए। ये जो हमने पीस कर रखा है, इसमें आप पीसने में ना दही के बजाय पानी भी डाल सकते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब जब आप अच्छे से डाल दें, ये मिक्सर जार का भी अच्छे से निकाल कर डालिएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं 1/4 नींबू ले रही हूँ, और उसका नींबू का रस निचोड़ कर इसमें डाल रही हूँ। अब नींबू और नमक और ये सारी चीज़ें आप आपके स्वाद अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। अब बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि दही को आप डायरेक्टली मिक्सर, पूरी जो आधा कप दही थी उसको मिक्सर जार के अंदर डाल के पीसिएगा मत। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, अब मैंने चेक किया। अब इसे मैं एक प्याले में निकाल रही हूँ, और मैं तो इसे चिकन टिक्का बोटी या चिकन तंदूरी बोटी गई है उसके साथ सर्व कर रही हूँ, और लच्छा प्याज के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे उन दोनों की रेसिपी लिंक्स भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा सीख पराठे के साथ, या फिर आप टिक्कास के साथ ये चटनी सर्व कीजिएगा। बढ़िया सी मज़ेदार चटपटी सी भी है, तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप रेसिपी आपको ये वाली अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।